जो भानु सर ने पूरी बात यहाँ पे रख दी है, उस पूरे बात में मैं उसको कैसे देखता हूँ, और उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर रखी है, उसको व्यक्तिगत यात्रा कैसे मेरी हुई है, मैं उस यात्रा के साथ उसको कैसे कनेक्ट करके देखता हूँ, मैं उसको इस दृष्टि से रख देता हूँ कि आप जब व्यक्तिगत रूप से जब उस यात्रा को करने जाएंगे तो हो सकता है कि कोई मेरी बात आपको काम की लगे। तो उदाहरण के रूप में उस बात को रख रहे हैं, जो एक विजन सर ने यहाँ पे रख दिया है और जो पूरी बात रख दी है, उसके एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्तिगत यात्रा को मैं रख देता हूँ, ताकि उससे आप कुछ कनेक्टेड अगर फील कर सकते हैं तो करें। तो ये जो पूरी यात्रा है, मतलब मैं अपनी यात्रा को देखता हूँ तो UHP की, तो 2008 अक्टूबर में पहली बार इस बात को सुना था। 2008 अक्टूबर में इस बात को मैं सुना, तो क्यों सुना उसका भी एक कहानी है। मुकल सुब्बा राव जी मेरे से पूछ रहे थे कि आप जब बानो सर वहाँ पे वर्कशॉप लेते थे तो स्टूडेंट क्यों आते थे, सिलेबस तो था नहीं तब, कोर्स में तो था नहीं है, तो स्टूडेंट आते क्यों थे या कैसे आते थे। आप भी सोचते होंगे ना कि हम स्टूडेंट के साथ कुछ कार्यक्रम करें, वो स्टूडेंट आएंगे कैसे, वो भी तो एक मुद्दा है ना। जब क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन शाम को स्टूडेंट वर्कशॉप करने आएगा, ये घटना कैसे घटेगी, वो कैसे घटी, मैं उसको जब देखने जाता हूँ तो उसका पीछे कहानी ये है कि 2005 में जब मैं यहाँ पढ़ने आया महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करने, तो हमारे साथ के जो हॉस्टल में रहते थे जितने फ्रेंड्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, मानो सर ने मुझे कोई डायरेक्टली सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ाया है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर कंप्यूटर साइंस के, तो इसलिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे बैच के जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हॉस्टल में जब कभी आपस में बैठ के जब चर्चा होती थी या बालकनी पर खड़े होकर जब बात हो रही है, तो जिस बैच को भानु सर पढ़ाते थे उस बैच का बच्चा भानु सर को ही गाली देते हुए मिलता था, और उसका कारण यह था कि भानु सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। तो कॉलेज में सबसे अधिक गुस्सा करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोग इनको पहचाने में आए 2005 में। तो क्लास में कोई बच्चा हिल नहीं सकता था, और ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा था, इंटर कॉलेज की बात नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इस ढंग से वो क्लास चलती थी, और इस तरह का मतलब एक प्रकोप कहते हैं उसको, कि प्रकोप था भानु सर का, कि जो भी मिलता था तो इन्हीं को गाली देता था कि जीना आराम करके रखा है। और ये घटना 2005 से 2006 में और 7 में जो शिफ्ट हुआ, हम लोगों का इसलिए सर के साथ जुड़ाव था कि स्पोर्ट्स में हम लोगों का इंटरेस्ट था, तो सर का भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो साथ में खेलते थे, वॉलीबॉल बहुत साथ में खेला हम लोगों ने, तो इससे जुड़ाव था, तो उसमें हम लोग देखते थे व्यवहार के परिवर्तन को, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग रहते थे, सर फैकल्टी क्वार्टर में रहते थे तो बहुत नज़दीक से देखते थे। तो साल दो साल में जो चेंज आया वो मतलब लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही कोई बड़ा चेंज है, कोई एक बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्सा ही नहीं करता है, तो ये चेंज बहुत बड़ा दिखता है, मतलब कम से कम मुझे तो बड़ा लगता है, वो दृष्टि की बात है, हो सकता है कि बाकी को नहीं लगता हो, लेकिन मुझे तो वो बहुत बड़ा लगा, और हम कई सारे मित्रों के साथ ऐसा रहा कि सबको लगा कि ये तो बहुत बड़ा चेंज है। उसके आधार पर सर से जो बातचीत हुई और उसमें फिर सर ने बताया वर्कशॉप के बारे, और फिर ये प्रस्ताव रखा कि फिर हम लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोगों ने पूछा तो सर ने कहा कि यहाँ भी कर सकते, तो फिर वर्कशॉप शुरू हुई। तो वो जुड़ाव चूंकि एक स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े थे और एक शिफ्ट को हम लोगों ने देखा था, उस शिफ्ट के नाते ये लगा कि अपने में भी ये अच्छा है, शिफ्ट है, हो सकता है अगर किसी बात को समझने से हो सकता है तो उसको समझा जाए। तो उस क्रम में हम लोगों ने इस बात को सुना और फिर वो आगे वो यात्रा बढ़ी, और वो ऐसा ही हुआ कि पहले 10-15-20 लोगों ने किया, फिर वो उनके जो अपने फ्रेंड सर्किल है उसमें बात किया, तो फिर वो यात्रा धीरे धीरे बहुत तेज़ी से मतलब एक्सपोनेंशियली वो ग्रो हुआ। तो साल डेढ़ साल बीतते बीतते तो 250 लोग निकल गए उस वर्कशॉप से, और बाकी वो कहानी सर ने आपको बताई। और ये हो सकता है, मतलब मैं इसको प्रैक्टिकली बहुत देखा हूँ कि एक टीचर के ज़िंदगी में अगर कुछ इस तरह का शिफ्ट आता है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये हमने वहाँ पर देखा है। इसका एक दूसरा पक्ष भी मैं आपसे कह देता हूँ कि
अगर आपके जीने में बहुत कुछ गड़बड़ है और उसमें कुछ शिफ्ट होके अच्छा हो जाता है तो ये तो लोगों को दिखता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं उसके साथ क्या हो? जिसके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है और अच्छा करने लगेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो कुछ अच्छा शिफ्ट है। नहीं, जो व्यक्ति के जीना ठीक है सामान्य है, जैसे मैं इसको ऐसे जोड़ के देखता हूँ, 2008 में मैंने सुना, 2011-12 का कोई वर्कशॉप था, इसी हॉल की वर्कशॉप है जिसमें हम पांचों भाई बहन थे, उस वर्कशॉप को सुना तो मेरी सिस्टर ने अपने फीडबैक सेशन में ये कहा कि भैया को हमने जब से देखा तब से ऐसे ही है, तो कुछ बदलाव तो हुआ नहीं इनके व्यवहार में, तो हमको क्या पता कि क्या कर रहे हैं। तो अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, एक तो शिफ्ट ये है कि अगर आप बहुत खराब जी रहे हैं और अच्छा जीने लगेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा कि भाई कुछ हुआ है तो साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपका जीना ठीक हो, मतलब बाहर का व्यवहार ठीक हो, अंदर सब ठीक है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा भी नहीं था, अभी भी हो गया ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन बाहर अगर ठीक कर रहे हैं, व्यवहार ठीक है आपका, तो लोगों को लगता है कि व्यवहार तो इनका ठीक ही है। आप इन दोनों में से कहीं होंगे, या तो उस तरह का होगा कि आपके जीने में कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें शिफ्ट आ गया होगा, या ऐसा होगा कि आपका जीना एक लेवल का ठीक ही रहा होगा लेकिन बाहर कुछ ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ होगा, अंदर हो गया होगा, अंदर घटनाएं घटती रहती हैं। तो दोनों इस स्थिति में कैसे हम दूसरों तक पहुँचेंगे ना? पहले वाले में तो आसान है कि वो चेंज दिखता है ना आदमी को, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कोई अच्छी चीज़ है। दूसरा वाला थोड़ा कठिन है कि दूसरे वाले में दूसरे को कोई शिफ्ट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हो रहा है वो अंदर हो रहा है, वो समझ के लेवल पे हो रहा है, वो भाव के लेवल पे हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लगता है दूसरे वाले में। पहले वाले में तो बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाते, दूसरे वाले में ये है कि वो जो भाव है जितना स्थिर हमारा बना रहेगा जितने लंबे समय तक, उस पे डिपेंड करेगा कि लोग हमारे साथ कितना कनेक्ट हो। और उसमें मैं दो चीज़ों को बहुत वो देखता हूँ, उस पूरी यात्रा को जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मतलब एक कनेक्ट बना मेरा अपने को मैं देखता हूँ तो उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जब बहुत आप मतलब आत्मीयता के साथ व्यक्ति के साथ जब व्यक्त होते हैं, आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं और आपके जीने में पारदर्शिता रहती है ना, तो लोग फिर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। अगर वो पारदर्शिता नहीं होगी, ओपननेस नहीं होगा आपके तरफ से, तो लोग बहुत कनेक्ट नहीं होते। तो आपको ये जो यात्रा अपनी शुरू हुई है, इस यात्रा को जब आगे बढ़ाने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचना है या कैसे अपने फैमिली मेम्बर को या जिनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ, जिनको लगता है कि इनको भी और समझने की ज़रूरत है, उनको कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे व्यवहार में कुछ शिफ्ट हुआ है तब तो लोग पकड़ पाते हैं उसको और जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अगर वैसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ है जो विजिबल हो सामने, तब तो फिर हम जो जीने में पारदर्शिता है और जो आत्मीयता है लोगों के साथ, उसको ही बनाना पड़ता है। उस आत्मीयता के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसको दिखता है, फिर वो पूछता है कि भाई क्या है, ऐसा क्या है जो आपको मिला है। इसीलिए हम लोग शुरू में ही वर्कशॉप के शुरू में ही कहते हैं, जो 8 दिन के हम लोग का 8 दिन का अभ्यास करने का अभ्यास है, वो 3 दिन और 5 दिन का थोड़ा बाद में शुरू हुआ है और उसको अपने को बहुत उसमें फिट नहीं हुए हैं अभी हम लोग, वो 8 दिन वाला ये अभ्यास है। तो उसमें शुरू में ये बात बताते हैं कि आप जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो उसको सुन के समझ के किसी को बताने का प्रयास नहीं करिएगा, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, पहले दूसरे दिन से ही बताना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं ना, वो भाषा किसी को जाती नहीं है, हमारे जो जीने में आता है जाता वही है, और उसमें समय लगता है, उसमें समय लगता है, उतना इंतजार करना पड़ता है अपने को। तो वो मुझे लगता है कि अपने जीने से हम आत्मीयता के साथ लोगों के साथ जब जुड़ेंगे तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक व्यक्ति, जैसे मैं बानू सर को देखता हूँ कि एक व्यक्ति अगर ये शिफ्ट लेता है तो उससे कितनी बड़ी संभावना खुल सकती है, उसको आप सोच सकते हैं। उसको एक और उससे मैं जोड़ देता हूँ, तो एक तो मैं अपनी यात्रा को देखता हूँ कि सर किससे को देख के, और मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ कई सारे मित्र हैं, पंकज हमारे जूनियर हैं 1 साल आपके साथ अभी यहाँ हैं, और
अभी कई सारे मित्र हैं जो साथ में हैं और बीच बीच में मिलते रहते हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम भी करते हैं इस यूएचबी के लिए। तो वो एक संभावना निकल के आती है वहाँ से, और उस यात्रा को जब मैं करने गया तो पहले एज ए स्टूडेंट उसको वर्कशॉप को मैंने किया। फिर वर्कशॉप करने के बाद ये हुआ कि अब क्या करें, मतलब जब बीटेक कंप्लीट हो रहा था तो मेरे को कोई, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ ये मुझे कभी क्लियर नहीं हुआ। तो बीटेक के बाद क्या करना हो कुछ क्लियर नहीं था, तो सोचा गया कि क्या करें, तो ये हुआ कि टीचिंग कर लेते। मानो सर से बात हुई और ये निष्कर्ष बना कि टीचिंग कर लेंगे तो इससे जुड़े रहेंगे, अदरवाइज़ कहीं नौकरी करने चले गए तो फिर खो जाएंगे। तो टीचिंग करते हुए भी इस काम को किया। इस हॉल में जितने वर्कशॉप हुए होंगे यूएचबी, एक वर्कशॉप मुझे ध्यान है जिसमें मैं नहीं था, नहीं तो सारे वर्कशॉप में मैं वॉलेंटियर रहा। जितने भी वर्कशॉप इस हॉल में हुए हैं, 2009 में जो 21 से 27 मई का वर्कशॉप था उसमें भी एक दिन के लिए मैं आया था, जो पहला वर्कशॉप था जिसके बारे सर जिक्र करते हैं उसमें भी मैं आया था। उसके बाद से जितने वर्कशॉप हुए मैं सब में रहा हूँ, और उसमें रहते हुए जो यात्रा हुई हो, यात्रा इस तरह से चली है कि जो अंदर का जो काम है वो एक तरह का है, मतलब ये जो सर ने इधर बताया ना, ये सब जो काम है ये तो एक तरह के काम हैं जिनको आप करते हुए दिखते हैं। बहुत सारे काम हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो मैंने तो पूरी यात्रा को ऐसे देखा कि मेरा पढ़ने का अभ्यास नहीं था, पढ़ने लिखने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है। अभी भी मुझे कह दिया जाए कि 3 पेज एक साथ पढ़ के उठना है ना, तो मैं नहीं पढ़ सकता, और लिख तो 1 पेज भी नहीं सकता हूँ, कभी नहीं पढ़ा ना कभी लिखा, इसलिए वो अभ्यास नहीं है। तो फिर आप लर्न कैसे करेंगे ना, सीखना तो है, समझना तो है, जीना तो है ना, तो कैसे करेंगे। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से ही सीखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरी मतलब मैं जितना भी समझ सीख पाया हूँ उसके लिए मैंने कुछ किया है ऐसा नहीं, जो लोगों ने दिया है मुझे वही मेरे पास है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो लोगों को जीते हुए देख के, सर को जीते हुए देख के, बानू सर को जीते हुए देख के, श्याम भैया, अभिषेक भैया, राजुल भैया, ये सब लोगों को जीते हुए देख के मैं सीखा हूँ। तो जब जो बानू सर कह रहे थे कि जो परंपरा बनी यहाँ पे वर्कशॉप हो सकता है और चल सकता है और कैसे उसका अरेंजमेंट होगा ये सब करते रहे, 2-3 वर्कशॉप में मैंने ऑब्जर्व किया कि कितने तरह के काम हैं और क्या क्या काम है और कितना ध्यान रखना है। और 3-4 वर्कशॉप के बाद अभिषेक भैया ने एक वर्कशॉप में ये कह दिया कि अब मुझे आनंद नहीं है, अब आप कर सकते हैं। तो पूरा जितने तरह के काम है वो सारा काम जो है मैंने सीख लिया और उसको करने लगा। तो गिलास धोने से लेके वर्कशॉप लेने तक इतना ही काम है, काम कुल इतना ही है। तो वो सारा काम अपने को आता है और अपने सब बहुत वर्कशॉप में किया है। मैं कल वहाँ शाम में हो रहा था डिस्कशन कुछ लोगों के साथ, आधे लोग थे आधे लोग नीचे थे, तो मैंने इस बात को कहा कि जब मैं आया और मैं देखा कि वो पेपर ग्लास सर्व हो रही है, तो मेरा ये प्रश्न था, मैंने पंगे से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या करें, तो हमने कहा कि गिलास क्यों नहीं ले आए, गिलास है अपने पास संस्थान में जो आ जाती थी उसी को धोते थे। तो उन्होंने कहा कि धोएंगे कहाँ, तो हमने कहा कि ये प्रश्न अब क्यों पूछ रहे हैं आप, ऐसा सोचे होते तो पहले ही पूछे होते ना, हम लोग तो यही वर्कशॉप करते रहे और धोते रहे गिलास को, उसका जगह फिक्स है। तो वो गिलास धोने वाला जो काम है और दरी बिछाने वाला जो काम है और जो लोगों का डांट सुनना है बाहर खड़े होके, उससे अहंकार बहुत पिघलता है अपना। अपना जो मुझे मेरी जो यात्रा हुई उसका तो मुख्य कारण यही रहा कि आप चप्पल को अरेंज कर रहे हैं और कोई आया रख देना इसको, चला गया अंदर, ऐसे फेंक के चले जाते थे लोग। तो वो करते हुए आपका अहंकार जो है ना उसमें बहुत ध्यान जाता है, क्योंकि वो खड़ा होता है और उसका अवसर नहीं बने तो भ्रम हो जाता है कि सब ठीक चल रहा है, उसका अवसर भी तो बनना चाहिए ना। मैं अगर सब अनुकूलता में चल रहा हूँ ना तो भ्रम हो जाता है कि सब बढ़िया चल रहा है और मैंने समझ लिया है। बीच बीच में इस तरह की प्रतिकूलता मिलती रहती है तो ध्यान जाता रहता है कि अभी और काम करना है। तो इस तरह के बहुत सारे जो वॉलंटियरिंग का जो काम है, जो सेवा का काम है, उसको करते हुए जो अपना अहंकार पिघलने वाला काम है ना, वो बहुत अच्छे से हुआ, मैंने इसको देखा। और जो लोग कर रहे हैं उसको देख के मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके मैंने सीख लिया उसको। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वर्कशॉप के लिए करना जरूरी है और मैं नहीं कर सकता, वो हर काम मैंने सीखा।
और पहले ज्यादातर वर्कशॉप यही आईटी में ही होते थे। आईटी में जो वर्कशॉप होता है उसमें कई तरह का, अभी इस बार तो हॉस्टल में गद्दे नहीं लगाने थे, नहीं तो पहले वो भी कार्यक्रम था, टेंट से आप गद्दे लेके आइए, हॉस्टल में लगाइए, उसको सारा अरेंजमेंट करिए, फिर उसको उठाइए, फिर लेके जाइए, ये सब ये 2 घंटे 2.5 घंटे में ये हॉल को अरेंज कर देते थे हम लोग। और 45 मिनट जब वर्कशॉप ख़त्म होती है ना आठवें दिन, लोग जब जाते थे और कोई सामान छूट गया, कोई लौट के आते थे तो उनको लगता था कि कहाँ आ गए, क्योंकि 45 मिनट में हम लोग इसको अरेंज करके गाड़ी में लोड करके भेज देते थे। 80 गिलास धोने में 10 से 15 मिनट लगता है, हो गए तो 12 मिनट 13 मिनट, अकेले धो रहे हैं तो 15 से 18 मिनट, इतना ही समय लगता है। अगर आप चाय पी के लोग रखें और तुरंत धो रहे हैं तो, अगर आपने छोड़ दिया कि बाद में धो लेंगे तो आधा घंटा लगेगा और साफ नहीं होगा। तो ये सब करते हुए जो वो हुआ ना, क्योंकि पढ़ना लिखना आता नहीं और सीखना है तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही सीखा कि जो लोग जी रहे हैं, जीते हुए व्यक्ति के सानिध्य में रह के जब आप कुछ देखते हैं, सीखते हैं, उसके जीने को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने देखा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके बैकग्राउंड में सारा, शुरू के वर्कशॉप का मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ श्याम भैया कर रहे हैं, श्याम भैया पिक्चर में कहीं नहीं। अच्छा, श्याम भैया फिर भी पिक्चर में आ जाते थे क्योंकि वो यहाँ आते थे, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम जो है अभिषेक भैया संभाल रखे हैं, तभी श्याम भैया फ्री होकर यहाँ पे आ पा रहे हैं। अभिषेक भैया का तो नाम भी नहीं पता लोग। तो मुझे लगा कि यही ठीक तरीका है कि हम बैकग्राउंड में बने रहे। वो AKTU की नोटिस को देख के मेरा ध्यान गया, एक बार नोटिस जो निकलती थी वहां से, तो नोटिस को देखा, उसमें कुछ जो टीम का नाम लिखा था, तो ऐसा नाम लिखा हुआ है, मैं ऊपर से नाम पढ़ते जा रहा हूँ, मैं किसी को पहचानता नहीं ऊपर से जितने नाम लिखे हैं, नीचे 2 नाम मुझे मिले जिनको मैं पहचानता हूँ। तो सेकेंड लास्ट पे लिखा हुआ है भानु प्रताप सिंह, को कोऑर्डिनेटर वैल्यू एजुकेशन से, और सबसे नीचे लिखा हुआ है JP बगाड़िया, कन्वेनर वैल्यू एजुकेशन से। तो मुझे लगा कि ये नीचे क्यों है, तो अब वो जो लिखने वाला है व्यक्ति वो अपने को नीचे रखता है, तो मुझे लगा कि ये नीचे रखना होता है, तो मेरे को तो उस दिन से बैठ गया कि अपने को बहुत पीछे रखना है, आगे नहीं रखना अपने को। और ये ऑब्जर्वेशन से मैंने सीखा, मतलब मैंने किसी से ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बताया, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये नाम नीचे बगाड़िया सर का सबसे नीचे इसलिए क्योंकि सबसे श्रेष्ठ हैं वो अमन लोक की योग्यता में, तो सबसे अधिक श्रेष्ठ है तो सबसे नीचे उनका नाम है। भानु सर को लिखना था और बगाड़िया सर ने कह दिया कि सबसे लास्ट में मेरा रखिएगा, नहीं तो अपना ही रखते, तो इसलिए ऊपर रखा गया है। ये ऑब्जर्वेशन है जिससे मुझे लगा कि अपने को पीछे रख के कैसे इस पूरी जो कार्यक्रम है, ये पूरा जो एक शिक्षा का जो मानवीकरण का प्रयास है, इसको हम कैसे आगे रख सकते हैं, वो मुख्य बात उसमें हम कहीं नहीं है। और ये भ्रम ना बने कि मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे क्रम में जो सबसे बड़ी बाधक वस्तु मुझे समझ में आई वो अपना अहंकार के क्रम में, जहां पे भी खड़े हैं हम ना, इसमें कुछ अगर बाधक मुझे समझ में आया, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अपना अहंकार बाधक है, कहीं पे वो टकराते रहते हैं। तो एक बड़ी बात ये है कि ये जो टीम गई है वर्कशॉप के लिए, वो पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या कर रही है वो एक बात है, वो आपस में क्या कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। पार्टिसिपेंट्स के साथ तो कुछ करेंगे, लेकिन उनका आपस में क्या चल रहा है ना, वो बड़ा मुद्दा है, उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। और इस पूरे यात्रा में ही, मतलब वो अहंकार ही है जो अपने को सबसे अधिक बाधा पहुंचाता है, अगर उस अहंकार से हम नहीं लड़ पाएंगे ना, तो हम नहीं चल पाएंगे आगे, फिर हम फंस जाएंगे। तो एज टीचर जो है इस वर्कशॉप को करते रहे थोड़े दिन तक, फिर थोड़े दिन के बाद लगा कि अपनी यात्रा बहुत स्लो चल रही है, अपने को समय नहीं मिल रहा है, तो एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैं पिताजी से पूछा कि भाई जॉब करने की ज़रूरत है क्या मुझे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या प्रश्न हुआ। मैंने कहा देखिए, समाज में पहले ऐसी परंपरा रही है कि 3-4-5 बच्चे होते थे, हम भी 3 भाई तो हैं, 2 बहन हैं,
तो तीन भाई में एक तो समाज के लिए देंगे ना आप भाई, एक बच्चे को तो समाज के लिए देंगे ना, समाज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ परंपरा तो ऐसी है। हमने कहा कि फिर एक बच्चे को आप दे दीजिए समाज के लिए। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, तो मैंने फिर जॉब छोड़ दी। मैंने कहा फिर एक बच्चा आपका समाज में लग गया, ऐसा मान लीजिए सुविधा की जरूरत है नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है, पर्याप्त है, कम तो है नहीं। तो छोड़ दिया उस जॉब को एक पॉइंट पे मैंने, और फिर लग गए। तो अब जब लगे तो और अवसर बना, क्योंकि फिर संस्थान में रहना हुआ समय तक। अब वहाँ जब आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं ना, तो जो उससे संवाद हो रहा है, जो उनका जीना हो रहा है, बहुत बारीकी है जीने में, कितनी बारीकियां हैं ना, मतलब उस पर चर्चा होगी तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा, बहुत बारीकियां हैं। तो आप जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब किसी वर्कशॉप में जब आप किसी रिसोर्स पर्सन के साथ जाते हैं ना, तो आप दिन भर जब सेशन चलता है तो जितना नहीं सीखते ना, उससे अधिक शाम को अगर उनके साथ बैठते हैं तो चार घंटे का, दो घंटे, तीन घंटे ना, उससे सीखते हैं आप। उसमें बहुत लर्निंग होती है। मतलब मैंने तो ऐसे ही सीखा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ इसको। तो फिर एक पॉइंट पे ये निर्णय हुआ कि फिर जॉब छोड़ दे। तो फिर जॉब छोड़ के इस काम को किया, और फुल टाइम फिर समझने में और जीने में, फिर अपने पास बहुत समय होता था कि समझने का काम करें और फिर जीने का। और फिर एक पॉइंट पे ये तय हो गया कि वर्कशॉप लेना है। देखिए एक बहुत अच्छी मैं बात बताऊँ आपको, मुझे ध्यान आ गई कि इस पूरे कंटेंट के साथ एक जो मुझे बात समझ में आई वो ये कि जो वर्कशॉप लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी योग्यता हो गई है, तैयारी हो गई है ना, उससे आप कहेंगे कि आपको सेशन लेना है, वर्कशॉप लेना है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा तैयार हो जाए, थोड़ा समय लगेगा। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है उसको लगता है मुझे सेशन नहीं दे रहे, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स के वर्कशॉप के लिए, तो मैंने जब जिस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप किया, तो मुझे ऐसा ही था कि मैं तो ले नहीं वर्कशॉप। तो भानु सर को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ कॉलेज में आइए वर्कशॉप लीजिए। तो सर ने कहा कि ठीक है कर देंगे। आ गए भानु सर वर्कशॉप लेने लगे, दो दिन तीन दिन बीत गया वर्कशॉप का। तो ऐसा बोल रहे थे सर कि किसी दिन अगर मैं लेट हो जाऊँ तो आप तैयार रहिएगा कि आपको सेशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। एक दिन जो है फोन किया सर ने कि आने में थोड़ा देरी हो रही है, आप शुरू करिए मैं आता हूं। तो मैंने शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि अभी नहीं आए। डेढ़ घंटे का सेशन बीत गया, धीरे धीरे ब्रेक कर दिए। फिर ब्रेक में बाहर निकले तो मिल गए। हमने कहा कि बहुत देर हो गई आपको। बोले नहीं आ तो मैं तुरंत गया था 10 मिनट बाद ही। लेकिन मुझे लगा कि ठीक चल रहा है, बढ़िया, मैं खिड़की से सुना और ठीक चल रहा है, तो मुझे लगा कि मैं अंदर जाऊंगा तो फ्लो डिस्टर्ब होगा आपका, तो मैं गया नहीं, बाहर से ही सुन रहा था। तो एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाता है आपको कि भाई आप अब खड़े हो जाइए। मानो सर के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी, कुमार भैया के वर्कशॉप में मानो सर को एक दिन खड़ा कर दिया गया। तो स्टूडेंट का वर्कशॉप तो मैं 2011 के शुरू में या 10 के लास्ट में ही लेने लगा था। लेकिन एक पॉइंट पे अच्छा, एक तो मैं पढ़ा लिखा कम हूँ ना, तो मुझे लगता था कि मैं टीचर्स का वर्कशॉप नहीं ले सकता। मैं तो उसके लिए मन भी नहीं था ना, तैयार था मैं कि मुझे टीचर्स की वर्कशॉप नहीं लेना, स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, समाज में कुछ कर देते हैं बस, बहुत है। एक पॉइंट पे हॉल 4 के कैंटीन में श्याम भैया बैठाए एक दिन, और उन्होंने कहा कि आप इस बार का वर्कशॉप लेंगे या 6 महीने बाद वाला, क्योंकि 6 महीने पर वर्कशॉप होता था, समर वैकेशन फिर विंटर वैकेशन। तो मैंने कहा कि चॉइस क्या है, तो बोले कि यही 2 चॉइस है आपके पास। तो हमने कहा कि अगर 2 ही चॉइस है तो फिर दूसरा वाला ही 6 महीने करूँगा, अभी तो नहीं लेना है। तो ऐसे मतलब धक्का दे के खड़ा कर दिया गया और लेने लगे। लेकिन उस लेने में एक जो घटना घटी उसका जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ, और उसको इसलिए भी मैं करता हूँ कि मैं इस बात को जब संबंध की चर्चा करता हूँ तो बहुत कहता हूँ कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा हो जो मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसा भी जी रहा हूँ, वो बिना संकोच के मुझे ध्यान दिला सके। वो आत्मीयता कम से कम एक व्यक्ति के साथ हो,
कि उसको संकोच नहीं हो कुछ भी बोलने में मेरे बारे में। तो उसमें जब पहला वर्कशॉप का जब तय हुआ, पहले तो शाम का 3 घंटे का वर्कशॉप लेना रहता था तो बहुत आसान लगता था कि दिन भर भी तैयार करके शाम को 3 घंटे तो ले ही लेंगे। फिर ये जो पूरे दिन वाला वर्कशॉप लेने के लिए जब बात हुई जाने की, तो पहला वर्कशॉप जब हुआ तो तय तो वो 6 महीने बाद का वही घटना था। PSIT में एक वर्कशॉप चल रहा था, भानु सर ले रहे थे, मैं वहाँ पे कुछ सेशन लेता था दोपहर में। तो एक दिन भानु सर ने कहा कि आपको जाना है शिविर के लिए, तो मैंने थोड़ा शुरू में तो मना ही किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई च्वाइस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय लोग कम वर्कशॉप लेते थे, गोपाल भैया लेते थे, कुमार भैया लेते थे, भानु सर लेते थे, सर लेते थे, तो कोई च्वाइस नहीं है, जाना ही है आपको। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर कोई च्वाइस नहीं, हाँ कर दिया। अच्छा, मैं हाँ तो कर दिया, बात हो गई कि ठीक है जाएंगे। 1.5-2 महीने का समय था, दिसंबर की वर्कशॉप थी और जनवरी में वर्कशॉप लेने जाना था। शाम को जब रूम पे गए तो मतलब वहीं पे रुके हुए थे गेस्ट रूम में, वहाँ पे तो श्रीमती जी थी साथ में। तो श्रीमती जी ने मेरे से पूछा कि आपने तो वर्कशॉप के लिए हाँ कर दिया। तो मैंने कहा कि हाँ तो कर दिया। तो बोला कि क्यों कर दिया आपने हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी योग्यता का जितना आकलन कर सकता हूँ उससे अधिक जो मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति है शायद वो मेरी योग्यता का आकलन ज़्यादा ठीक करता है, और उनको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ और कोई च्वाइस भी नहीं है। तो मैंने हाँ कर दिया। तो उन्होंने एक बात कही और वो बात मुझे बहुत ध्यान रहती है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो लोग शिविर लेने जाते हैं, वर्कशॉप लेने जाते हैं, उनका सम्मान बहुत होता है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता उनसे, कम से कम उनसे तो नहीं बोलता हूं, तो झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल नहीं पाया, क्योंकि जब मैंने हाँ किया था तो ये बात ध्यान में नहीं थी अपने, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो मैंने अपने में देखा तो मुझे लगा कि कहीं तो था वो। ये कहना कि नहीं था मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उससे अच्छा ये हुआ कि पहले ही वर्कशॉप में ये ध्यान गया कि उस पर बहुत ध्यान बनाए रखना है। ये जो सुख है ना वो स्वभाव है, वो प्रभाव नहीं है। और जब आप वर्कशॉप में जाते, कल भी लोग ताली बजा रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं इसको तो नहीं करिए, आप ताली बजाते हैं मुझे ध्यान सजग होना पड़ता है कि अहंकार खड़ा ना हो जाए, तो क्यों उतना काम बढ़ा रहे हैं आप हमारा, क्योंकि वो सजगता नहीं रहती है तो अहंकार बढ़ जाता है, तुरंत लगने लगता है वाह मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि लोग ताली बजा रहे हैं। अगर वो सजगता नहीं रहेगी तो इसी लाइन पे चले जाते हैं, इसलिए कोई ताली बजाता तो बहुत ज्यादा सजग होना पड़ता है, क्योंकि तुरंत वो खड़ा होना शुरू होता है अहंकार। तो वो पहले वर्कशॉप में उन्होंने ध्यान दिला दिया, उसे 2 काम हुआ। एक काम तो ये हुआ कि मेरा ध्यान चला गया कि अहंकार पुष्ट नहीं करना है, अपने पे काम करना है, समझ पे काम करना है। दूसरा काम ये हुआ कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि अब अगर इस तरह का प्रश्न ये पूछने लगे हैं फिर तो अपने जीने में बहुत शिफ्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो कब तक इन प्रश्नों का चुप रह के उत्तर देंगे, कब तक चुप रहेंगे, उत्तर तो देना पड़ेगा ना, इसलिए जीने में शिफ्ट करना जरूरी है अपनी। तो यात्रा धीरे धीरे ऐसे बढ़ी और धीरे धीरे वो वर्कशॉप लेने का सिलसिला उस तरह का चला कि वो समर वैकेशन में पता चल रहा है कि 4 से 5 वर्कशॉप ले रहे हैं लगातार, विंटर वैकेशन में कम से कम 4 वर्कशॉप ले रहे हैं। ऐसा वो चलता था कि एक बार निकल गए घर से वर्कशॉप लेने के लिए तो घर जब लौटते थे तो श्रीमती जी यही कहती थी कि केवल कपड़े साफ कराने और उसके लिए आए हैं ना, क्योंकि एक दिन से अधिक रुकते नहीं थे घर पे, उस पूरे दौरान जो है ऐसे चलता था, वो घर चले गए तो दूसरे कपड़े लेने आए, उन्हीं को दौड़ के लेके जाने, कपड़े गंदे हो गए। तो वो यात्रा ऐसी चली और धीरे धीरे वो AKTU से फिर वो आगे यात्रा AICT की हुई। और मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि जो भी अपने से योग्य श्रेष्ठ लोग हैं इतना ध्यान रखते हैं इस पूरे क्रम में, कि अक्टूबर 2019 में AICT का एक वर्कशॉप थी यहाँ ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में, तो वहाँ मैं ले रहा था तो सर का फ़ोन आया, गणेश सर का, कि कहाँ हैं आप। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे चित्रकूट में है।
तो वहाँ क्यों है? तो वर्कशॉप चल रहा है AICT का। तो बोले कौन ले रहा है वर्कशॉप? तो मैंने कहा मैं ही ले रहा हूँ। तो सर ने कहा कि आप क्यों ले रहे हैं वर्कशॉप? ये प्रश्न मेरे लिए बहुत नया प्रश्न था, आप वर्कशॉप क्यों ले रहे हैं? तो अच्छा, आपके पास कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आपने सोचा है तब तो देंगे। तो क्या उत्तर देंगे? मुझे कुछ उत्तर सुझा नहीं कि मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा कि सर कोई मिला नहीं आने के लिए, क्योंकि वो सेमेस्टर के बीच का वर्कशॉप था, तो छुट्टी किसी को नहीं मिली और कई सारे लगातार वर्कशॉप हैं तो मुझे आना पड़ा। उन्होंने कहा आगे क्या प्लान है? मैंने कहा कि मैं यहाँ से कानपुर का ही टिकट है, लौट के कानपुर ही आता हूँ। तो बोले ठीक है, आइए तो आपसे बात कर। तो आया तो सर ने कहा कि भी आप अगर वर्कशॉप लेंगे तो फिर पूरा ये कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? उनके आप तो खड़े हो गए, दिन भर खड़े हैं तो फोन ही नहीं उठा पाएंगे आप, तो आप बंद करिए वर्कशॉप लेना। मैंने कहा कि ठीक है, बंद कर दिया। तो 2019 के अक्टूबर में मैंने वर्कशॉप लेना बंद कर दी। फिर मैंने कोई वर्कशॉप नहीं लिया, 22 तक नहीं लिया। 23 में वापस एक दिन सर ने पूछा कि भाई एक वर्कशॉप के लिए आपको जाना है। तो मैंने कहा कि मेरा तो छूट गया है वर्कशॉप लेना और अभ्यास नहीं है भाई, कैसे? बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपने कहा था कि नहीं लेना है तो नहीं लेना, अब आप कह रहे हैं कि जाना है तो जाना है। और वो ऐसे क्यों हुआ, वो शिफ्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हो गया कि 2019 के बाद 2019-20 का AICT के कोऑर्डिनेशन में मैं सहयोग करता था बहुत सारे काम में। 2021 में ऐसा हुआ कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट डेथ हो गई पिताजी की। तो मैं तो फ्री था ऐसे पूरे तरह से, पिताजी ने फ्री करके रखा था। अब उनके जाने के बाद से वो घर में स्कूल चलता था, एक पिताजी स्कूल चलाते हैं, थोड़ा पूरा वो 2000 बच्चे हैं। अब वो एक जिम्मेदारी आ गई अपने पास, उसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने से हुआ ये कि कोऑर्डिनेशन का काम नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन का जब काम है ना, उसमें फुल टाइम मतलब आपको एंगेज रहना पड़ता है। तो वो कोऑर्डिनेशन का काम फिर मैंने बहुत कम धीरे धीरे कर दिया। तो एक पॉइंट पे फिर ये हुआ कि भाई वो कोऑर्डिनेशन का नहीं कर रहे हैं तो वर्कशॉप लेने का ही करिए, क्योंकि बीच में एक बार निकल गए 8-10 दिन के लिए तो वर्कशॉप ले सकते हैं। तो फिर वापस सर ने पूछा था इसी उससे जो है, कुछ सेशन आपको लेने जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चला जाऊंगा। तो उसके बाद मैं आजकल, मैं कल भी लोगों से कह रहा था कि आजकल थोड़ा फंस गया हूँ, कितने दिन तक फंसा रहूँगा पता नहीं, लेकिन फंस तो गया हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारी इस तरह से आ गई, और मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ कि परिवार की के सुविधा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पिताजी ने मुझे फ्री कर दिया कि नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री रहा। लेकिन वापस अगर लगता है कि परिवार में कोई ज़रूरत है तो फिर लौटना भी पड़ सकता है। उसको करने की दृष्टि से भी लगे हुए हैं, जितने दिन देखते हैं कब तक चलता है। तो इस यात्रा को मैं ऐसे देखता हूँ कि कई बार आपको बहुत अनुकूलता रहती है काम को करने की। तो जब बहुत अनुकूलता है तो आप बहुत फैल के काम को कर पाते हैं, कई बार प्रतिकूलता आ जाती है तो उस प्रतिकूलता में अंदर की यात्रा फिर शुरू करनी पड़ती है। जब बाहर प्रतिकूल वातावरण हो जाए तो यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलती रहेगी, बाहर की यात्रा कम हो जाएगी, अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जब प्रतिकूलता होगी तो अंदर की यात्रा, जब अनुकूलता होगी तो फिर बाहर की यात्रा। ये यात्रा ऐसे सतत चलती है। और इस पूरे यात्रा में जो अपने को ध्यान बना के रखना है वो यही है कि मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई शिविर लेता हूँ, कोई वर्कशॉप में लोग थोड़े उत्साहित हो जाते हैं और थोड़ी तारीफ करने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। कर इतना ही रहा कि किसी ने एक्सप्रेसवे बना दिया, ठीक है, एक्सप्रेसवे बना दिया, उसके गाड़ी भी आपको दे दिया, फिर आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दिया, ठीक? आप उस गाड़ी में बैठ गए हैं, बस हैंडल पकड़े हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप चला रहे हैं गाड़ी और आपने सारा ये किया है तो बड़ा मुश्किल है। वो एक्सप्रेसवे बना के आपको मिल गया, वो गाड़ी मिल गई है, वो गाड़ी चलाना भी सिखा दिया, वो गाड़ी चलाने में बस आपको हैंडल पकड़ना है। तो मैं उतना ही कर रहा हूँ, वो एक कहानी सुनाता हूँ। वो एक जो है कहीं पे कोई पूजा होनी थी तो उसके लिए मूर्ति आनी थी, तो मूर्ति आने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला तो फिर ये हुआ कि भी एक गधा मिल गया, गधे के ऊपर ही लेके चली। तो जैसे ही गधे के ऊपर वो मूर्ति रख के वहाँ से चली
तो रास्ते में जो मिले तो प्रणाम करें। तो ऐसा देखते हुए आगे बढ़ते हुए जो है ना, गधे को लगा कि लोग तो बड़ा सम्मान कर रहे हैं मेरा, और वो वहाँ चला गया। वहाँ जब चला गया, जब मूर्ति उतार ली गई तो कोई ना उसको पूछे, क्योंकि प्रणाम तो मूर्ति का हो रहा था, उसका तो हो नहीं रहा था। तो मैं ये ध्यान बनाए रखता हूँ कि जो भी लोग सम्मान कर रहे हैं या जो भी प्रणाम कर रहे हैं ना, ये इस गधे का नहीं है। इतना ही ध्यान बना के रखना अपने को। हाँ, तो उस पे वो जो कंटेंट है ना, वो जो कंटेंट है जिसको हम कई बार लोगों तक पहुंचाते हैं, वो जो लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं उस कंटेंट का है, मेरा नहीं है। उस गधे की तरह अगर हम भी भ्रम में फंस जाएंगे ना, तो निकलता कुछ नहीं। वो सारी कहानी सुनना है तो 8 दिन के वर्कशॉप में आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा, वो 8 दिन का PSL 1 मैं लेता हूँ, उसमें पूरी कहानी सुनाता हूँ अपने घर की। श्रीमती जी कई बार कहती हैं कि कोई चीज मतलब ऐसा तो है नहीं जो लोगों को पता नहीं है मेरे बारे। मैं कहता हूँ यही ओपननेस। तो वो कहानी सुनना हो तो उसमें आना पड़ेगा, तब बताएंगे कि क्या है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट इतना पावरफुल है कि उसके साथ जब आप होते हैं तो कई बार आपको भ्रम ये हो सकता है कि आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो वो अपने को लगता है कि ध्यान बनाए रखना जरूरी है। वो एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे अपने को बहुत ध्यान बना के रखना पड़ता है, नहीं तो हम फंस जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और वो होता है, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ। मैं बहुत सजगता के साथ उससे निकलने का प्रयास करता रहा हूँ। उसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जब 8वें दिन इसको अनुसर करते हैं, 8वें दिन जब आप धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं, 8वें दिन जब लोग अप्रिसिएट करते हैं या बहुत ताली बजाते हैं, इस तरह का जब कुछ करते हैं, तो बहुत सजगता रखना पड़ता है। क्योंकि आप उससे, आपका अहंकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है पता नहीं, वो कितना उतनी योग्यता हो देखने की तब तो देख पाए। लेकिन मैं लौट के उसको ऐसे देखता हूँ कि जब ये लोग अप्रिसिएट करते हैं तो आप में अंदर कोई गुदगुदी होती है कि नहीं होती है। ये कहना अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं होती है। अभी भी ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि गुदगुदी होती है कि नहीं होती है। वो सजगता बनाए रखता हूँ, ये जरूर है। उस सजगता के साथ अपने को उस अहंकार को पुष्ट नहीं करना है, वो ध्यान बना रहता है, लेकिन वो गुदगुदी नहीं होती है ऐसा अभी भी नहीं कह पाता मैं। ये जरूर है कि उसकी इंटेंसिटी जरूर कुछ कम हुई है, लेकिन वो खत्म हो गई है ऐसा कह नहीं सकते। एक बड़ी फसावट फिर उसमें ये आती है कि आपका कंपैरिजन शुरू होता है किसी लेवल पे। कई बार आप करते हैं, कई बार पार्टिसिपेंट भी करने लगते हैं, दो रिसोर्स पर्सन के बीच में कंपैरिजन, उसमें अलग तरह की फिर फसावट। तो ये जो कंपैरिजन है ना एक दूसरे के बीच में, वो कंपैरिजन ठीक नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति सबकी अपनी है, कंटेंट तो एक ही है, कंटेंट तो एक ही है ना, और अभिव्यक्ति सबकी अलग है, इसलिए कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना। बात तो अभिव्यक्ति की हो रही है ना, कंटेंट तो निश्चित है, इसलिए वो तुलना बनता नहीं है। लेकिन हम फंसते हैं उसमें जरूर, और वो सबका अपना तरीका होगा, अपने तरीके से हर व्यक्ति रखेगा। उसमें बस ध्यान यही रखना पड़ता है कि उसको रखते समय अदरवाइज कुछ नहीं चला जाए, बस इतनी बात है। और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जितना आप ओपननेस के साथ जब बात को रखते हैं और अपनी स्थिति को भी ठीक ठीक आप रख पाते हैं, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। मैंने उसको ऐसे महसूस किया कि जब आप अपनी स्थिति को बहुत ओपननेस के साथ भी रखते हैं, लोगों के साथ जब बात करते हैं, आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं।
तो दो मेजर तरीका हो सकता है बात को रखने का, एक तो तर्क प्रधान ढंग से रखें, दूसरा भाव प्रधान ढंग से रखें। रहेगा तो तर्क और भाव दोनों ही, प्रधानता की केवल बात है। तो उसमें कई सारे लोग तर्क प्रधान ढंग से भाव को रखते हैं, कई लोग भाव प्रधान ढंग से तर्क का प्रयोग करते हैं। इतना ही अंतर है मेजर में जो समझ पाता हूँ लोगों की अभिव्यक्ति में, और वो रहेगा। जिसका जैसा मेक है वो उसी मेक के साथ चलेगा। तो मैं इसी क्रम में इस यात्रा को देख पाता हूँ, और ये कई फेजेस से निकलता है कि मैं स्टूडेंट के रूप में जब किया इसको, फिर मैं टीचर के रूप में जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं उस स्थिति से गुजरा, उसमें जितना समय मिल पाता था उतना करते थे। उसमें भी मेरे जो स्टूडेंट्स कई सारे निकले, अभी भी कई सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है जो अभी कुछ सेशन लेते हैं, तो वो यात्रा ऐसे बढ़ती है। तो वो संभावना सबके साथ, मैं उसको एक और परिप्रेक्ष्य से कनेक्ट करके कहता हूँ कि अगर एक विद्यार्थी इस बात को समझे तो कितनी संभावना उससे निकल सकती है। उसका एक उदाहरण और मैं उसमें जोड़ देता हूँ। तो एक तो यात्रा ये हुई कि भानु सर के साथ हम लोग स्टूडेंट के रूप में जुड़े, एक स्टूडेंट और भानु सर के साथ जुड़े जो उनके रिलेटिव थे, और उन जब वो अपने गांव में जो गिनती होती ना बिगड़े हुए बच्चे की, तो जब बिगड़ गए तो उनको ये कहा गया कि उनके भैया के पास भेज दो, क्योंकि इतना गुस्सा करते थे डांटते थे तो वहाँ तो सुधर ही जाना है। लेकिन जिस भ्रम में वो लोग भेजे, वो आदमी तो परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि गुस्सा तो बंद हो गया जब तक वो आए। तो उनके साथ जो काम हुआ ना, मतलब एक तो वो पढ़ना लिखना बंद करके कुछ गलत आदतों में फंस गए थे, जिससे उनको निकालना था, फिर उनको पढ़ने लिखने में वो करना था, फिर उनके आचरण व्यवहार को भी ठीक करना था, बड़ा चैलेंज था। तो मैं उसको ऐसे देखा कि उन्होंने वो सब में शिफ्ट हुआ। तो एक विद्यार्थी जो इनके भानु सर के मौसी के लड़के थे, वो तो आए जब यहाँ पे सर के साथ ही रहने लगे थे फैकल्टी क्वार्टर में, तो उनके एक तो पढ़ाई लिखाई में कैसे उनको ओरिएंट करना है, कैसे पढ़ना लिखना भी शुरू कर दें, तो जिसके बारे लगता था कि टेंथ पास करेगा कि नहीं, फाइनली फिर उसने भी टेक करके भी जॉब कर रहा है वो लड़का। उससे हुआ ये कि उसके में जो शिफ्ट आया ना, उससे जो उनके परिवार में लोगों की अस्वस्थि हुई, और फिर परिवार के साथ फिर वो कनेक्शन बना, और परिवार ने फिर वर्कशॉप को किया, फिर वो परिवार से फिर कैसे वो जो कुनबा होता है ना एक्सटेंडेड फैमिली, वो जुड़ी, और फिर उससे गांव पूरा जुड़ा। तो गोरखपुर में एक वर्कशॉप हुई जिसमें उस गांव से 35 लोग वर्कशॉप करने आए, 35 लोग आए उस वर्कशॉप, और फिर ये तय हुआ कि अब 35-35 लोग आएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, अब गांव में ही वर्कशॉप करना पड़ेगा। फिर 35 लोगों को गांव से उठा के किसी दूसरे जगह ले जाना, उससे अच्छा है कि एक दो आदमी जाए वहीं पर जाके करें। तो वहां पर फिर वर्कशॉप, वहां पर शिविर हुआ, उसका एक सिलसिला चला 2-2.5 साल, वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ गांव के लोगों के साथ। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसमें एक बहुत ज्यादा गांव है, वहां की बात है। 2-2.5 साल में अच्छा काम, मतलब वो काम का को जब आकलन करते हैं हम लोग, तो उसका आकलन अगर मोटा मोटी कहें तो ये कहना ठीक रहेगा कि 2-2.5 साल में टीचर्स के साथ काम करते हुए जितनी उपलब्धि अपने को मिली थी, उससे कई गुना ज्यादा उपलब्धि गाँव में सामान्य लोगों के साथ करते हुए दिखी। क्योंकि जो व्यक्ति वही जी रहा है, फिर उसको सीधा सीधा जीने में प्रयोग करते हैं। टीचर्स के साथ आप करने जाते हैं ना, तो बहुत सारा तर्क होता है, यानी बात तो आपकी ठीक है लेकिन ये आइडियल बात है, फिजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वहाँ पे किया तो लोगों ने उसको कैसे जीने में प्रयोग करना है उस पर सीधी सीधी बात होती थी, और लोगों ने उसको प्रयोग किया जीने में। बहुत तरह के शिफ्ट हुए वहाँ पे लोगों, आपसी जो बहुत सारे झगड़े थे सॉल्व हो गए। गांव में अलग अलग तरह की समस्या है, जब आप कभी जो लोग गांव के हों जानते होंगे, अलग तरह की समस्याएं हैं, उसमें से कुछ चीज़ों में बहुत काम हुआ। वो समाव हुआ ऐसा कि ज़्यादातर वर्कशॉप के लिए मैं ही भानु सर जाते थे या मैं जाता था, तो एक पॉइंट पे कोरोना आया तो उसके वजह से थोड़ा वो काम रुका, और उसके बाद मैं गाँव चला गया, वहाँ समय नहीं दे पाता तो वो काम थोड़ा स्लो हो गया वहाँ का, नहीं तो बड़ी संभावना थी। उसके बावजूद भी अभी ये हुआ कि एमपी में गांव के लिए आनंद ग्राम की एक परिकल्पना है, उसके लिए काम है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट हो तो सही होगा, तो उस गांव में जो काम हुआ है उसका डॉक्यूमेंट बनाने की बात हुई,
तो गांव के लोगों से कहा गया कि भाई क्या काम हुआ है, क्या क्या हुआ है शिफ्ट, उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो उसके लिए अभी पिछले साल जो है लगभग 2-2.5 महीने तक रोज सप्ताह में कम से कम 3 या 4 दिन लोग बैठते थे, गोष्ठी करते थे, फिर उसमें से क्या क्या हुआ है काम, कैसे कैसे हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, फिर उसको कोई टाइप करता था, उसका ट्रांसक्रिप्ट होके फिर वो एक पूरा उसका रिपोर्ट अभी तैयार है, लगभग फाइनल स्टेज में है। कभी आप लोग को जो फाइनल प्रिंट हो जाएगी तो मिल भी जाएगी। तो एक बड़ा काम हुआ है वहाँ पे, एक वार्षिक गोष्ठी हम लोगों ने किया था। जब थोड़ा धीरे धीरे समय बीत गया, 1.5 साल हो गया, तो ये लगा कि अब काम काफ़ी होने लगा है। तो वो अब जब गांव से बाहर के गांव के लिए जब फैलने लगा ना, तो उसको करने गए तो वो वार्षिक गोष्ठी किया, उसमें 600 लोग आए वार्षिक गोष्ठी में, और बहुत सफल गोष्ठी थी। मतलब उसमें जिस तरह का बच्चों का उत्साह देखने को मिला, महिलाओं की जिस तरह की भागीदारी थी, बुजुर्गों की जिस तरह का था। तो एक विद्यार्थी अगर आपका समझ लेना, उससे इतनी संभावना ओपन हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि आज जिस विद्यार्थी के साथ आप बात कर रहे हैं, जिसको आप कंटेंट दे रहे हैं, उससे कुछ निकल ही जाएगा ऐसा जरूरी भी नहीं, नहीं निकलेगा वैसा भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि कब निकलेगा। ये जो बहुत जल्दी रिजल्ट की अपेक्षा हम करने लगते हैं ना, वो इतनी जल्दी रिजल्ट आता नहीं, वो समय तो लगता है, और वो उतना समय हमको देना पड़ेगा। लेकिन एक विद्यार्थी समझ के जाएगा तो इतना भी काम हो सकता है कि एक पूरा गांव खड़ा हो सकता है। तो वो दोनों तरह की संभावना है कि एक तो प्रोफेशनल जो वर्ड है उसमें, जो टीचिंग में या जहां पे भी जॉब में जा रहा है वहां पे, या लौट के गांव में कितना कर सकता है, ये सब अपने को ध्यान में रख के ही करना है इस पूरे काम को, क्योंकि संभावना तो है और ये ऐसा फैल सकता है। और कई सारे फिर डायमेंशन खुलते हैं, कोई स्कूल एजुकेशन में काम करेगा, कोई गांव में काम करेगा, कोई खेती में काम करेगा, अलग अलग तरह से लोगों को अलग अलग चीज़ें अप्रिसिएट करती हैं, जिसका जो मेक होता है उसके हिसाब से फिर वो करने जाता है। तो ये जो यात्रा है ना, ये हम सबकी यात्रा ऐसे ही चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसमें ये जो अपना अहंकार है ना, उसको बहुत दबा के रखना पड़ता, क्योंकि आड़े वही आएगा, आएगा वही। जितना हम सजग होके देख पाएंगे, उतना सजगता के साथ हम चल पाएंगे। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जितना कुछ भी मैं समझ पाया हूं, उसके लिए मैंने कोई एफर्ट किया ऐसा नहीं है, दूसरों का ही एफर्ट है जो मुझे मिल गया है। मतलब ज्यादातर पका पकाया मिला है, बस उसको पचाने की बात है कितना हम पचा पाए। उसमें ये जो सेवा वाला काम है, उसको मैं बहुत जोड़ के देखता हूं। तो सेवा किसको कहते हैं, पहले इस पे थोड़ी बात हो जाए, और फिर उस सेवा से कैसे वो जुड़ता है और कैसे अपनी यात्रा में वो सहयोगी हो सकता है। एक तो व्यवहार और कार्य जो है ना, व्यवहार आपको बहुत सारी उस पे बात हो गई, कार्य पे भी बात हुई या होती ही रहती है। अब इस व्यवहार वाले में आप देखेंगे तो मानव का जो मानव के साथ, उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। कार्य वाला जो है उसमें मानव का शेष प्रकृति के साथ कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें कोई उत्पादन हो रहा है। ये दोनों के बीच में सेवा है, क्रीर के माध्यम से कुछ कर भी रहे हैं, श्रम आपका नियोजन है उसमें, लेकिन श्रम नियोजन के साथ उत्पादन नहीं है। तो आप अपने परिवार में किसी बुजुर्ग का पैर दबा रहे हैं तो श्रम तो उसमें नियोजन है ही, श्रम तो लगेगा ही, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, वो सेवा है। तो ये व्यवहार प्रधान कार्य है, लेकिन इसको करने में जो मुख्य बात है, जो पौनेन जी ध्यान दिला रहे हैं कि भाव बहुत मुख्य है। और मैं इसको दोनों ही तरह से देखता हूं कि एक तो मेरे में भाव होगा
तभी वो सेवा का काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसके दूसरे तरफ से भी मैं देखता हूँ कि अगर मैं सेवा का काम को अपने लिए तय कर लूँ तो उसको करते हुए सजगता के साथ अगर मैं उस सेवा के काम को कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरे में भाव जो डेवलप होना है वो डेवलप भी हो सकता है। और मैंने उसको इसी रूप में ही देखा है, भाव बन गया तभी आप सेवा करने जाएंगे। ये हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भाव नहीं बना है, भाव डेवलप हो, कई बार सेवा उसमें बहुत सहयोग करते। सेवा करते हुए, तो वो सेवा करते हुए, और उस सेवा को भी देखेंगे तो दो उसको कैटेगराइज अगर करें कि एक तो सेवा है कि कोई व्यवस्था है, जैसे ये वर्कशॉप चल रहा है, इस वर्कशॉप को चलने में बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं में अगर आप भागीदारी कर रहे हैं तो वो सेवा ही, उत्पादन तो हो नहीं रहा है कुछ, वो सेवा है। यहां पे जिस सेवा को मैं देखने जाता हूं तो ऐसे देखता हूं कि केंद्र में क्या है, तो मुझे ध्यान में बना हुआ है, ज्ञान केंद्र में मेरा भी और जो लोग आए हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट। तो इस टीम को डेवलप होने में जो भाग व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था भी बनी है, उस व्यवस्था में जो भागीदारी है उसको करते हुए उस दृष्टि को ध्यान में रख पाना, और मेरा जितना लर्निंग है इसी तरह से हुई है, क्योंकि समझने वाली जितनी बात होती है ना, ये बहुत सारी बात ध्यान में आ जाती है, जीने में नहीं आती है, सुनने में तो आ जाती है। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये जो UHV 3 का कंटेंट है, इसको मैंने पहली बार 2011 अक्टूबर में सुना था। इसको सुनते हुए चौथे पांचवें दिन मुझे ये समझ में आया, और मतलब ऐसे कई चीज़ें घटती हैं, एकदम से हो जाता है, मुझे ये समझ में आया कि मुझे समझ में नहीं आया है, और ऐसा समझने में 3 साल लगा, ये समझने में कि मुझे समझ में नहीं आया है 3 साल लगा। तो मैं उसको लौट के देखा कि अगर मुझे समझ में नहीं आया था तो वो भ्रम क्या था, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आया था कि समझ में नहीं आया है, तब तक तो मैं समझदार था ही, वो भ्रम था क्या। तो मैं लौट के उसको देखा तो ये निष्कर्ष मेरा बना कि जितना भी चीजों को मैंने सुना है उसको सुनते हुए उससे मैं सहमत हुआ हूं कि हाँ ये बात तो ठीक है, हाँ ऐसा सही रहेगा, ये अच्छा है। इस सहमति को ही मैंने समझ मान लिया है, ये तो सहमति है ना, ये तो समझ नहीं है। समझ में आ जाएगा तो जीने में आएगा, ये तो निश्चित बात है, जीने में नहीं आया है इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये समझने में 3 साल लगा। उसके पहले आप बहुत ज्ञानी बने रहते हैं, जब तक ये ना समझ में आया कि समझ में नहीं आया है तब तक तो आप ज्ञान ही रहते हैं। तो जब वो समझ में आया कि समझ में नहीं आया तो वहां से ये फिर प्रयास शुरू किए। अभी थोड़े दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे हुआ मैं उसको भी कह देता हूं। एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई, उस घटना के साथ मैंने कुछ अपने में ऑब्जर्व किया और मुझे ये निष्कर्ष बना, और मैं उस पर अभी विचार कर रहा हूं, उस पर अभी और काम करने की जरूरत है। विचार ये, अभी इस जगह पे मैं खड़ा हूं कि मेरे जीने में जो कुछ ठीक हो मैं करता हूं, व्यवहार में बाहर जो अभिव्यक्त होता हूं उसमें जो मैं ठीक कर रहा हूं वो मैं ठीक समझ गया हूं इसलिए कर रहा हूं, या मैंने अपने बारे में इमेज बनाया हुआ है कि मैं ठीक व्यक्ति हूं उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। एक 1.5 महीने से मैं इस पर भी बहुत ध्यान दे रहा हूं हर जगह कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे लगा कि अपने को सही सारी चीजों को समझने में, जीने में, और लोगों के साथ इसको जब आप शेयर करने जाते हैं तो एक उसका वापस दबाव है ना आपके ऊपर, बहुत सारी गलतियों की एक्सपेक्टेशन फिर आपसे नहीं की जा सकती, और फिर उसका एक दबाव बन जाता है कि ये गलती मैं कैसे कर सकता हूं, इस कारण से मैं सही कर रहा हूं, या मैंने समझ लिया इस कारण से मैं सही कर रहा हूं, अब मैं अभी निश्चित नहीं हूं इसमें।
ये अपने पे जितना हम ध्यान को बनाते हैं ना, उतना धीरे अपने पे ध्यान जाता है कि कहाँ पे हम किस लेवल पे फंसे हुए हैं, अपनी फसावट का पता चलता है। इसलिए बहुत सजग होके उसको अपने में रखना पड़ेगा इस, क्योंकि हम अपने बारे कुछ मान लेते हैं उसके आधार पे चलते रहते हैं। तो मेरा जो भी सीखना समझना हुआ ना, वो इस सेवा के काम से ज्यादा हुआ, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके ही सीखा है मैंने। तो किसी को करते हुए देख के मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, उसको अपने में ध्यान रखता हूँ और फिर उसको करने का प्रयास करता हूँ। तो वो करते हुए धीरे धीरे मैंने देखा कि अपने में जो भी कुछ थोड़ा बहुत समझ बनी है ना, वो उस क्रम में बनी है, क्योंकि पढ़ लिख सकता नहीं, तो पढ़ा लिखा नहीं तो फिर कैसे समझेंगे भाई, एक है ना कि आप या तो पढ़ेंगे कुछ, उससे कुछ इनपुट लेंगे, उससे समझेंगे, मैं वो कर नहीं सकता। तो दूसरे के जीने को देख के और सेवा करके, तो वो सेवा, एक तो मैंने कहा कि व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है, कोई भी व्यवस्था हो, आपके परिवार की व्यवस्था हो, कॉलेज में जहाँ पे आप हैं वहाँ की व्यवस्था है, कोई वर्कशॉप चल रहा है उसकी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो सकती है, उस व्यवस्था में जब आप कर रहे हैं तो एक तो सेवा वो है। दूसरा सेवा यह है कि जिनको भी आप अपना परिवार मानते हैं, जिनके साथ आत्मीयता है आपकी, या दूसरा हो सकता है कि आप अपने से किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनके उनकी सेवा करते हुए, और वो एक बहुत अच्छा काम है। किसी भी व्यक्ति के सानिध्य में जब आप होते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो और कुछ हो ना हो अहंकार बहुत पिघलता है। और मुझे बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है वो यही है कि अपने अहंकार से ही लड़ना है। वो कैसे बढ़ता है और कैसे उसको रोक के रखना पड़ता है, कितना सजगता बनानी पड़ती है, तो उस अहंकार को पुष्ट होने से जो भी कुछ रोक सकता है मुझे, वो मुझे लगता है कि हमेशा सहयोगी है मेरे लिए। उसमें सेवा का बड़ा रोल देखता हूँ। तो एक तो व्यवस्था में जो भागीदारी कर सकते हैं वो एक सेवा के, और फिर पारिवारिक या जिनको भी हम अपना परिवार का या जिनके साथ आत्मीयता है उनकी सेवा जब करने जाते हैं, ये दोनों ही तरह के सेवा करते हुए अपना भाव स्थिर हो पाता है और अपनी यात्रा फिर आगे चल पाती। उसका अभ्यास नहीं रहता है तो हम उसको कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये सेवा वाले काम को हम जितना कर पाएंगे परिवार में कम से कम, या बाहर जहाँ पे अवसर बन पा रहा है वहाँ पे, तो अपना अहंकार जो है वो पिघलता है और फिर अपनी यात्रा उस क्रम में आगे बढ़ पाती है। अन्यथा ये पूरा कार्यक्रम में एक बड़ी संभावना ये है कि हमारा अहंकार बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, इसकी संभावना प्रबल है। ऐसा होता है, अगर हम सजगता नहीं रखेंगे तो ये हो जाए। तो इसके लिए वही उपाय लगता है कि सेवा वाले में हम प्रवृत्त हों, उस अभ्यास को हम कर पाए। परिवार में तो अवसर सबके लिए ही है, वहां पे कर पाए, फिर जहां पे भी हमको अवसर बन पाता है वहां पे कर पाए। जितना कर पाएंगे मुझे लगता है कि उतना अपने लिए सहयोगी होगा ही। एक दो चीजें और मैं बस ध्यान दिला के बस कंक्लूड कर देता हूं, उसके बाद वेस्टर्न रीजन का कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे भैया। तो एक जो मैंने बात उसमें बीच में कही कि जब आप इस पूरे यात्रा में जाते हैं तो एक तो कंपैरिजन शुरू होता है, और उस कंपैरिजन में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है एक दूसरे से, जो है हम एक दूसरे से फिर आगे निकलने का प्रयास करने लगते हैं, और उसमें मुख्य कारण देखेंगे तो वो ईगो ही अपना मुख्य कारण फंसाता तो वही है। उस ईगो के कारण ही कंपटीशन, और फिर हम एक दूसरे से फिर आगे निकलने का प्रयास करते हैं या कंपैरिजन करने लगते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा अभ्यास जो मैंने किया है या
आपको भी लगता है तो कर सकते हैं। वो अभ्यास ये है कि ये जो सम्मान की चर्चा करते हुए जब ये बात करते हैं ना कि दूसरा मेरे जैसा है, दादाजी सिमिलर टू मी, इस अभ्यास को हम जितना कर पाएंगे, जितना हम ध्यान में बनाए रखें, जहां पे भी है, जिस कंडीशन में भी है, इस बात को ध्यान में बनाए रखें कि दूसरा मेरे जैसे, एक अच्छा जगह है अभ्यास का। जितना हमको ये ध्यान बना रहेगा कि दूसरा मेरे जैसा है, उतना अपना अहंकार नहीं बढ़ेगा। अहंकार का मतलब ही यही है कि मैं दूसरे से थोड़ा अलग हूं, कुछ खास हूं, कुछ विशेष हूं, बात तो इतनी है ना, वो अहंकार बात का है ना। ईगो तो इतना ही है कि मैं दूसरों से अलग हूं, खास हूं, कुछ विशेष हूं। तो ये अभ्यास बनाए रखें कि हरदम ये ध्यान बनाए रखें कि दूसरा मेरे जैसा है, ये बहुत सहयोग करता है, ये अपनी यात्रा में बहुत सहयोगी है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो मैंने कहा कि अपने को जितना हम नीचे रख सकते हैं ना, योग्यता का अपने आकलन करके और सही सही आकलन करके हम, तो लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता के आधार पर दूसरा मेरा जैसा है, योग्यता का अंतर है, तो योग्यता का अंतर किस अर्थ में है, तो पूरकता के अर्थ में। तो उस पूरकता के को ध्यान में रख के हम अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए जितना सेवा में प्रवृत्त होंगे, उतनी अपनी यात्रा बढ़ेगी, उतना जो है उसकी दिशा ठीक हो। तो वो सबके लिए अवसर है और सबके लिए बराबर अवसर है। हम लोग, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मैंने 2008 में वर्कशॉप किया तो वर्कशॉप ही बहुत कम होते थे। आपने समर वैकेशन में एक वर्कशॉप कर ली तो आपको इंतजार करना है कि विंटर वैकेशन में कब वर्कशॉप होगी तो करेंगे। ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था, पीपीटी तो तब बन ही रहा था, 2009-10 में राजुल वीआईटी बनना शुरू हुआ तो बन ही रहा था, तो पीपीटी भी धीरे धीरे बना, 11-12-13 में जाके डेवलप हुआ हो। तो उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आज के दिन आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उसका मैं कुछ फायदा देखता हूँ, कुछ नुकसान देखता हूँ। फायदा यह कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप अगर यात्रा को अपनी करने चाहें तो जो यात्रा हम लोगों ने 10 साल में की है आप उसको 3 साल में कर सकते हैं, इतना अवसर है और इतना चीज़ें अवेलेबल हैं। उसका नुकसान मैं ये देखता हूँ, और ऐसा अब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि जो वर्कशॉप कई लोग लेते हैं उनके साथ जो संवाद होता है उससे धीरे धीरे ये निष्कर्ष बन रहा है। नुकसान उसका यह है कि सारा कुछ रेडीमेड मिल गया है, पका पकाया मिल गया है, इसलिए वो अपना जो एफर्ट करना है वो एफर्ट नहीं होता है, इसलिए वो जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होता। तो जो वॉलेंटियर का काम किया है ना, जो यहाँ दरी बिछा के और गद्दे लगा के और यहाँ बोर्ड को अरेंज करके और सारा व्यवस्था किया है, उस क्रम में जो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो एक तरह का है, और जो सीधा सीधा उसको अवसर मिल गया है, ऑनलाइन में चीजों को सुन लिया, फिर और आगे की यात्रा किया, तो 4 वर्कशॉप किया, स्किल अच्छी है बात को रखने की, तो धीरे धीरे रिसोर्स पर्सन के रूप में आ गए, रखने भी लगे, उनकी एक स्थिति है। तो जब आप बहुत सारा एफर्ट करते हैं तो बहुत सारा सोचना पड़ता है, जब आप एफर्ट नहीं करते हैं तो कई सारे प्रश्न आपके खुद में ही नहीं बनते हैं, तो उनका उत्तर आपके पास नहीं होता है। तो उसका कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जो बहुत ईमानदारी से करेगा वो बहुत अच्छी यात्रा कर सकता है, बहुत अवसर बन गया उसके लिए, जो जल्दीबाजी करेगा फिर वो फंस भी सकता है, इसकी भी संभावना है। ठीक है भैया, और कुछ ध्यान दिलाना है तो बताइए, फिर आप लोग वही काम करेंगे। सहयोगी हो रहे हैं आपके, सहयोगी हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग की यात्रा है और हम सबकी ही यात्रा है, और ये यात्रा तो साथ ही चल रही है, सबकी साथ साथ ही सब लोग चल रहे हैं, उसमें किसी की यात्रा थोड़ी लंबी है, लंबी का मतलब समय ज़्यादा हो गया इतनी बात है, किसी का समय थोड़ा अभी कम हुआ है, लेकिन हम सब इसी यात्रा में हैं,
और इसी यात्रा को कर रहे हैं, और इसको करते हुए हम सब एक दूसरे के लिए सहयोगी बन पाए। मुझे लगता है कि इस बात को अगर हम ध्यान में बनाए रखेंगे कि हमको एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना है, हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये यात्रा ज़्यादा चल पाएगी। तो हम अपने लिए अवसर बनाएं और दूसरों को पीछे रखें के बजाय दूसरों के लिए अवसर बना के हम पीछे खड़े हों, इस मानसिकता के साथ अगर हमको लगता है कि हम लोग करेंगे तो हमारी जो टीम डेवलपमेंट का काम है ना, वो ज़्यादा ठीक से होगा। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारी बात हो गई, उसके लिए तो हर व्यक्ति को अपने में करना है, लेकिन टीम डेवलपमेंट के लिए यही है कि हम दूसरे के लिए अवसर बनाएंगे और हम पीछे खड़े हैं सपोर्ट के लिए। कहीं पे कुछ अगर चूक होती है तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन अवसर हम दूसरे के लिए बनाएंगे। इस क्रम से अगर हम लोग चलना शुरू करेंगे तो टीम का जो डेवलपमेंट है ना, वो ज़्यादा ठीक से होगा। आत्मीयता जो है आपस में लोगों की, वो ठीक होगी। दूसरी एक और बात है जिसको मैं कह देता हूँ, कई लोगों को हो सकता है उसे ध्यान चला जाए। अब मैं उसको देखता हूँ कि जैसे मैंने वर्कशॉप जब लेना शुरू किया तो मैं उसको ऐसे देखता था कि जैसे बानु सर ने उस बात को बताया कि राजुल भैया सेशन में बैठे हैं और बहुत बारीक बारीक मुद्दों पे भी बहुत सूक्ष्मता से ध्यान दिलाते रहे। हम लोग भी जब डेवलप हुए तो उस क्रम में जो भी लोग अपने से पहले से कर रहे हैं इस काम को लगे हुए हैं या साथ में भी जो शुरू किए हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी बात पे ध्यान दिलाना है तो जिस ओपननेस के साथ, जितना हम एक दूसरे के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट रह पाते हैं ना, उतना वो सहयोगी है। धीरे धीरे मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि अब ये स्थिति है कि हर व्यक्ति इस ओपननेस के साथ है कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसके यात्रा में कहाँ पे वो चूक हो रही है उससे, या क्या उसके बाधक है, कहाँ पे रुकावट है। इस बात को हम ओपननेस के साथ कह पाएँ, ये भी स्थिति कई बार नहीं है, और कई बार वो सुन पाएँ वो भी स्थिति नहीं है। और ये काम, ये बात टीम डेवलपमेंट के लिए मुझे ठीक नहीं लगता है। ये टीम डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधक है। कई बार हम भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, या कई बार हम कह पाए उस स्थिति में भी अपने को नहीं पाते। अगर ये होगा तो फिर हम लोग अगले 5-10 साल में कहाँ जाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इस बात को कहना। तो वो ओपननेस हो एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे का सम्मान पूर्वक ध्यान दिला पाएँ कि कहाँ पे रुक रहा है व्यक्ति, कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे व्यक्ति फंसा हुआ है, कैसे वो निकल सकता है, और उतना ही ओपननेस हम सुनने के लिए भी रखें अपने लिए। क्योंकि टीम डेवलपमेंट में आज के दिन जो मुझे बाधक लगता है वो यही चीज़ लगता है। और अगर सेल्फ डेवलपमेंट के साथ टीम डेवलपमेंट हो गया तो सोसाइटल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, वो तो बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो टीम डेवलप हो गई तो सोसाइटल डेवलपमेंट को रोक ही नहीं सकते आप। हाँ, तो भैया कह रहे हैं कि ये प्रश्न को पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो किसी टीम में किसी मेंटर के साथ कनेक्ट नहीं है। अभी 11 टीम है जिसमें से कोई व्यक्ति ऐसे जो किसी टीम में कनेक्ट नहीं है किसी के साथ भी। दो तीन लोग हैं। ठीक, वो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि समय बचा नहीं। हाँ नहीं, तो फिर अभी तो फिर ब्रेक अभी करना है ना, ब्रेक करना है और बताना है कि रीजन वाइज क्या क्या बताना है, एक बार बता देता हूँ। हाँ तो 10 मिनट में कर देता हूँ। हाँ मैं एक बार उसको बता देता हूँ कि एक पॉइंट पे ये तय हुआ कि कैसे चीज़ें, कैसे लोग धीरे धीरे डेवलप होंगे, टीम डेवलपमेंट का काम कैसे चलेगा। तो हम सब लोग गणेश सर के सानिध्य में समझने के लिए लगे हुए हैं। तो एक पॉइंट पे तय हुआ कि सर के साथ डायरेक्ट सब लोग कनेक्ट हो नहीं सकते,
तो अब ये है कि वो जो उसके बाद की जो पीढ़ी है, तो 10 लोगों 11 लोगों की एक टीम है जिनके साथ फिर आगे के लोग कनेक्ट होंगे, फिर उसमें से जो लोग डेवलप हो जाएंगे उनके साथ फिर उसके आगे के लोग कनेक्ट होंगे, ऐसा एक हायरार्की बनाने का प्रयास किया गया है। उसका आशय सिर्फ इतना ही है कि हम कनेक्ट हों ताकि हमारी यात्रा में अगर हमको कोई सहयोग की जरूरत पड़ रही है तो किसको हमको रिंग करना है या किससे हमको बात करना है ना, वो व्यक्ति हमको पता हो। और उसका एक वीकली मीटिंग होता है, उसको मीटिंग करते हैं, हर वीक में उसकी मीटिंग होती है। तो उसमें जो लोग कनेक्ट नहीं है, मतलब वो कुमार भैया के साथ या राजुल भैया के साथ या गोपाल भैया के साथ या उपासना दीदी के साथ या मनीषी दीदी के साथ या बानु सर या मेरे साथ, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस टीम में कनेक्टेड नहीं है जो वीकली मीटिंग में आता है, कोई ऐसे हैं क्या लोग, ये पूछा जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, तो उसका एक बार जिनका नाम, जो लोग नहीं कनेक्टेड हैं किसी टीम में, वो लोग आदित्य जी को अपना नाम नोट करा देंगे अभी जब ब्रेक होगा तब। ठीक, एक दो अनाउंसमेंट कर देता हूँ, फिर अजय पाल जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद ब्रेक कर लेंगे हम लोग। तो एक तो दो चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो हम लोग एक फैमिली वर्कशॉप करते हैं जो संस्थान में होता है, बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो लोग हैं उनके फैमिलीज के कुछ लोग वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अवसर का प्रोविजन है कि वो संस्थान में जो वर्कशॉप होता है उसमें आके कर सकते हैं। तो उसका जो डेट है अभी टेंटेटिव डेट 1 से 8 सितंबर में अगला वर्कशॉप जो होना है, तो उसमें अगर कोई अपने फैमिली के या कोई अपने रिलेटिव किन्हीं को भेजना चाहते हैं जो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं उनमें से, तो आप भेज सकते हैं उसमें। तो 1 से 8 सितंबर का अभी एक टेंटेटिव डेट है जो फाइनल हो जाएगा जल्दी ही, तो उसके लिए फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे को अभी तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो सूचना ही दे रहे हैं, तो उसमें, और वो इस दृष्टि से जरूरी है कि कई बार धीरे धीरे ये लगता है कि फैमिली के लोगों को भी हम कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि बात अपने लिए महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस क्रम में जो है जो लोग भेजना चाहते हैं वो लोग भेज दें। दूसरी एक बात और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक तो अपनी ये जो वेबसाइट है ये तो सबको पता ही होगी, UHP.in। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पब्लिकेशन का जो है ना ये टैब है पब्लिकेशंस, इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ से जो भी पब्लिकेशन हुए हैं अपने वो खुल जाते हैं, और उनकी सारे बुक्स की ई कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग को ये जानकारी होना जरूरी है, कभी भी आपको यूज करना हो तो यहाँ से ई कॉपी आप ले सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके थोड़ा दिखा दीजिए, तो ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इधर साइड में आ रहा है, तो ये सारी बुक्स हैं जिनका ई कॉपी यहाँ से आपको मिल जाएगी। हाँ, एक को आप खोल दीजिए, नीचे जाएंगे तो उसकी ई कॉपी होगी, ये है, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी ई कॉपी। अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और पीडीएफ के फॉर्म में ये बुक आपको इंटरेक्टिव पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा, अगर इसका पेपर बैक जो आता है, इसका जो हार्ड कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं, जो प्रिंटेड कॉपी है, तो उसके लिए यहाँ से भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं, नीचे वो लिंक होगा, नीचे है उसका लिंक। हाँ हाँ, क्लिक करिए, तो यहाँ से यहाँ पे आ गए, इधर वाला पेज इसका जो होम पेज है वो खोल दीजिए, इधर खुला हुआ है ना, तो यहाँ से आप ऑर्डर करें सीधा इस बुक को। हाँ, ये जो हाँ होम पे यहीं से कर दीजिए, या वो तो खुला हुआ था। तो ये 5 बुक अभी है जो अवेलेबल है जिनको आप ले सकते हैं, जिसमें से UHP 3 वाली जो बुक है ये अभी लास्ट में जो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, इसका वर्कशॉप था, तो इसकी बुक यहाँ पे भी ला दी गई है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, यहाँ से सीधा आप ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर किसी को मंगाना है तो। ये लिंक आप UHP publications.in है, तो यहाँ से आप जो है वो ग्रुप पे भी लिंक भेज दीजिएगा तो वहाँ से लोगों को मिल जाएगा। तो आप सीधा सिंगल कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे करिए। अगर कॉलेज को बुक मंगाना है ना तो उसके लिए बल्क ऑर्डर का यहाँ प्रोविजन नीचे है, 50 बुक से अगर अधिक का ऑर्डर करना है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं।
तो कॉलेज में भी कई अगर सब्जेक्ट चलेगा तो उसके लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉलेज को भी रिक्वायर्ड होगा, तो उसको मंगाना चाहें तो यहाँ से मंगा सकते हैं। ई बुक इसकी फ्री अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी की ज़रूरत है तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो हिंदी वाली बुक अभी आनी है दीदी, अगस्त में आ जाएगी ऐसा संभावना हम लोग मान रहे हैं। जुलाई तक ई कॉपी तैयार हो जाएगी, अगस्त में प्रिंट कॉपी तैयार हो जाएगी ऐसा मान रहे हैं। तो अभी चार पांच बुक है, यहाँ से आप बल्क ऑर्डर कर सकते हैं तो फिर आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो एक तो ये होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ वाली बुक है, कहीं कहीं पे ये भी सिलेबस के रूप में भी आ गया है। ये जो अपनी बुक है ये ह्यूमन वैल्यूज, ये फाउंडेशन कोर्स की जो बुक है, जो UHP 2 जिसको बोलते हैं, उसका थर्ड एडिशन है ये, और उसी का टीचर्स मैनुअल है बगल में उसके, और ये बगल में UHP 3 की बुक है। और एक जो कोर्स चलता है नीचे करिए, हाँ, ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन, उसकी ये बुक है जो हिंदी में अवेलेबल है। तो ये अभी पांच बुक अवेलेबल है जिसको आप मंगा सकते हैं। अभी ये वाली बुक तो आप लोग के यहाँ पे भी अवेलेबल है, मिल जाएगी। हाँ, उसके लिए ये कहना है कि रीजन वाइज जितने लोगों को बुक चाहिए वो एक जगह पैसा कलेक्ट करके, और 425 उसका रेट है, तो उसको कलेक्ट करके अजय पाल जी को दे देंगे तो वो बुक आपको उतनी दे देंगे, अवेलेबल कर देंगे। तो रीजन वाइज उसको कर लें तो आसान हो जाएगा। नीचे वाली बुक कभी पता करता हूँ, अगर होगी तो मंगा देंगे, लेकिन वो वाली तो अवेलेबल है। हाँ, अभी तो ऊपर वाली ये लास्ट वाली जो है UHP 3 वाली बुक ये है, तो ये अभी तो आपको मिल जाएगी। हाँ, तो किस रीजन से किसके पास कलेक्ट होना है वो बता दें। हाँ, तो नॉर्दर्न रीजन में जो है हिमांशु भैया के पास, हाँ NWR से पीयूष भैया हो गए, WR से क्या नाम है भैया, ठीक है दोनों, तो आप दोनों लोग कर लीजिए। CR से विलास भैया कर लेंगे। ER से रविंद्र भैया कर लेंगे, ठीक है। तो कॉलेज में जो आपको बुक चाहिए ना, जैसे ये फाउंडेशन कोर्स का जो बुक है, ये तो हर, मुझे लगता है कि कॉलेज के लाइब्रेरी में हो तो बच्चों के लिए आसान है, ई कॉपी फ्री अवेलेबल है, लेकिन हर बार ई कॉपी पढ़ना आसान नहीं रहता है। तो हर कॉलेज के जहाँ पे भी कोर्स चल रहा है उसके लाइब्रेरी में तो कम से कम मंगवा सकते हैं आप, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ से बल्क ऑर्डर हो जाएगा और उसको मंगा। हाँ, बल्क ऑर्डर का मतलब 50 कॉपी। तो बल्क ऑर्डर जब करेंगे तो कुछ डिस्काउंट उसमें है पब्लिकेशन का, तो वो जो है बल्क ऑर्डर में डिस्काउंट मिलेगा, तो वो अपना कॉलेज के साथ वो रहता है उनका, वो कुछ डिस्काउंट उसमें रहता है जी। हाँ ठीक है, ये UHP 2 है, ये वाली बुक जो है ये UHP 2 है, उसका टीचर्स मैनुअल है, ये उसका टीचर्स मैनुअल है, नहीं थर्ड एडिशन है ये। हाँ कुछ तो है, अगर आपके पास है सेकंड एडिशन तो अभी कुछ दिन यूज कर सकती हूँ उसको, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन कुछ है, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये दो अनाउंसमेंट मेरे तरफ से, बाकी जो मुझे बात लगा कि आपके साथ करनी है या जो मेरे समझ के अनुसार लगा कि आपसे मैं करूं उस बात को, तो मैंने वो आपके साथ किया। हम सब एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी हो पाएं, इसी शुभकामना के साथ सबको धन्यवाद, नमस्कार। एक अनाउंसमेंट और था, तो अभी ये
बात हुई थी कि वेस्टर्न रीजन का प्रेजेंटेशन होगा, समय कम है तो हम लोग अभी 20 मिनट का ब्रेक करेंगे और उसके अगले सेशन में जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि 7 दिन का इन्वेस्टमेंट हो गया है इस UHV 3 की वर्कशॉप से। जब हम लोग वापस जाएंगे तो रीजनल एक्टिविटीज के तौर पे रीजन में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या